एक माचिस की तिल्ली से हवन यज्ञ होता है, उसी माचिस की तिल्ली से चिता भी जलाई जाती है, उसी माचिस की तिल्ली से किसी के घर में आग भी लगती है, और उसी माचिस की तिल्ली से घर के मंदिर में ज्योत भी लगाई जाती है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को क्या दिशा दे रहे हैं। हम सबको ईश्वर ने अद्भुत ऊर्जा दी, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या दिशा दे रहे हैं। आज का यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जरूर सुने जो अपने रास्ते से भटक गए, और वो लोग जो सही दिशा में चल रहे हैं वो इसे सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक चित्रकार रहता था, अद्भुत चित्र बनाता, ऐसे चित्र बनाता था मानो बोलने लगे, जीवंत हो जाए। एक मंदिर में निरंतर जाता, रोजाना जाता। एक दिन पुजारी जी ने कहा कि तुम इतने अच्छे चित्र बनाते हो, मेरे मन में एक बात आई है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। चित्रकार ने कहा कि जी कहिए महाराज। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बाल रूप का भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, जब वो कंस का वध कर रहे, कंस और कृष्ण का एक चित्र बनाओ, एक अद्भुत चित्र। चित्रकार ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई बालक ढूंढना पड़ेगा जो मेरी कल्पना में भगवान श्री कृष्ण जैसा लगता हो, जिसे मैं सामने बिठा करके भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाऊं। उसके बाद एक कंस चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कंस जैसा लगता हो, ताकि मैं उसे सामने बिठाऊं, कंस के वस्त्र पहनाऊं और कंस का चित्र बनाऊं। तो पुजारी जी ने कहा कि यह तो आसानी से हो जाए, पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए उस बाल रूप को तलाश कर। एक बच्चे को ढूंढा गया, एक सुंदर सा बच्चा मिला, घुंघराले बालों, मोटी मोटी आंखों वाला, एकदम हूबहू ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण। बच्चे को नीले रंग में रंगा गया, मोर पंख बांधा गया, पीतांबर पहनाया गया, चित्रकार के सामने बिठाया गया और चित्रकार ने उसका चित्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, और ऐसा चित्र जो लगता था कि अभी बोल पड़ेगा, एकदम जीवंत चित्र। अब तलाश शुरू हुई कंस के चित्र के। कंस के चित्र के लिए चित्रकार ने, पुजारी जी ने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों से मिले, लेकिन एक भी व्यक्ति गांव में ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे बिठा करके, कंस के वस्त्र पहना करके, कंस जैसा दिखाया जा सके और चित्रकार चित्र बना सके। कई दिन बीत गए लेकिन कंस जैसा कोई भी नहीं। जब कंस जैसा कोई भी नहीं मिला तो वो चित्र अधूरा रह गया, तलाश जारी थी। इस बीच में चित्रकार का बुलावा आ गया, उसके गांव से बहुत दूर उसे जाना पड़ा नौकरी के लिए, काम के लिए। जब वो वहां चला गया तो चित्र यहां अधूरा रह गया। अब धीरे धीरे उस चित्रकार की उस शहर में बड़ी प्रशंसा होने लगी, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, उसके चित्रों की चर्चा चलने लगी, दूर दूर से उसकी चित्रकारी को देखने लोग आते थे, उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी, अखबारों में छपता था, यहां गांव में लोग पढ़ते थे कि हमारे गांव का चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार बन गया, उसकी पेंटिंग्स, उसकी चित्रकारी बहुत महंगी बिकती है, बहुत बड़ा नाम हो गया है। लेकिन इधर पुजारी जी ये सोचते थे कि एक चित्र उसका अधूरा बचा हुआ है, उसमें कृष्ण है लेकिन कंस नहीं, जैसा चित्र मैं चाहता था वैसा बना नहीं, वो अधूरा चित्र मंदिर के स्टोर रूम में रखा होगा। पुजारी जी सोचते थे कभी तो ऐसा दिन आएगा जब वो चित्रकार गांव वापस आए और इस चित्र को पूरा करेगा। दिन बीते, साल बीते, करीबन करीबन 20 साल बीते। 20 साल के बाद वो चित्रकार अपने गांव वापस आए, गांव वालों ने भव्य स्वागत किया, उसकी निरंतर आदत थी मंदिर जाने। अगले दिन सुबह वो मंदिर गया, पुजारी जी बूढ़े हो चुके, पुजारी जी के पास गया, पुजारी जी को बोला कि आपको याद है पुजारी जी, मैं मंदिर आता था, चित्रकारी करता था। पुजारी जी उसे देखकर बड़े खुश हुए। पुजारी जी बोले, मैंने सुना है तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है, बड़े चित्रकार हो गए, तुम्हें याद है तुमने एक चित्र बनाया था जो आज तक अधूरा है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र, उसमें कंस नहीं बन पाए थे, आज तक कंस बना नहीं, वो चित्र अधूरा है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पूरा कर। चित्रकार ने कहा कि जरूर,
मैं भी उसे पूरा करना चाहता हूं। हम कल से ही कंस की तलाश करेंगे और कंस की तलाश फिर से शुरू होगी। लेकिन कंस कहीं नहीं। जब कंस कहीं नहीं मिला तो चित्र फिर से अधूरा रहा। चित्र को बाहर निकाल दिया गया। स्टोर रूम से बाहर चित्र रखा हुआ था। एक दिन मंदिर में एक जेलर आया। जेलर ने देखा कि अद्भुत चित्र है, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चित्र से बाहर निकल आएंगे और साक्षात आकर के बोलना शुरू कर देंगे। जीवन तस्वीर है। जेलर ने पुजारी से पूछा कि चित्र किसने बना। पुजारी जी ने कहा कि एक चित्रकार है हमारे गांव, बहुत प्रसिद्ध है, अभी गांव आए हुए, लेकिन यह चित्र अधूरा है, पूरा नहीं। जेलर ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर इसमें अधूरा क्या है। पुजारी जी ने बताया कि इसमें कंस नहीं है, ये कंस के वध का चित्र था। जेलर ने कहा कि पूरा क्यों नहीं बना। पुजारी जी ने समस्या बताई कि कोई भी व्यक्ति ऐसा लगा ही नहीं जिसे सामने बिठा करके कंस को चित्रित किया जा सके। तो चित्रकार और मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई मिला ही नहीं। और वो चित्रकार तब तक चित्र नहीं बनाएगा जब तक उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कंस का चित्र बना रहा हूं। वो चित्रकार भावनाओं से चित्र बनाता है, दिल से चित्र बनाता है। जेलर ने कहा कि मैं उस चित्रकार से मिलना चाहता हूं। जेलर चित्रकार से मिला। चित्रकार से कहा कि मैं एक जेलर हूं, मेरे यहां जेल में बहुत सारे कैदी, तुम मेरे साथ चलो, हो सकता है कि तुम्हें कोई कंस मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कैदी मिल जाए जिसे तुम कंस बना सको, मेरे साथ चल। चित्रकार मान गया, जेल में गया, बहुत सारे कैदियों से एक कैदी उसे दिखाई दी। उसने कहा कि मैं इसे कंस बना सकता हूं, ये कंस जैसा लगता है, आप इससे पूछिए कि ये कंस के वस्त्र पहन करके तैयार होगा और सामने बैठेगा, मैं इसका चित्र बनाऊं। जेलर ने उस कैदी से पूछा, वो कैदी हमेशा गुमसुम रहता था, चुपचाप रहता था। कैदी ने कहा कि ठीक है, मैं बन जाऊं। और कैदी को लेकर के मंदिर के प्रांगण में आया गया, उसे कंस के वस्त्र पहनाए गए, सामने बिठाया गया और चित्रकार ने अपने चित्र को पूरा किया। कृष्ण जब कंस का वध कर रहे थे, उस सारे वातावरण को तैयार किया और कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाया गया। एक ऐसा चित्र जो देखने में लग रहा था कि अभी जीवंत हो उठे, जैसे दृश्य सामने चल रहा है। सब गांव वाले, जेलर, सब लोग तालियां बजा रहे, प्रसन्न थे, खुश थे। अद्भुत चित्र था। सालों बाद चित्र पूरा हुआ। कैदी को चित्र दिखाया गया। कैदी ने जैसे ही चित्र को देखा, कैदी फूट फूट कर रोने लगा, बहुत रोया, बहुत रोया। पहले लोगों को लगा कि चित्र को देख करके भावुक हो, लेकिन वो रोने से बंद नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछना शुरू किया। चित्रकार ने पूछा कि क्या बात हो, क्यों परेशान हो, इतना क्यों रो रहे, इतना सुंदर चित्र तो बनाया है, तुम इतना क्यों रो रहे। तो कैदी ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा कि इस चित्र में कृष्ण भी मैं ही हूं और कंस भी मैं ही। जब मैं छोटा था तो मुझे कृष्ण के लिए चुना गया, मुझे आपने कृष्ण बनाया और उस दिन आपको मेरे भीतर कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अब आपने मुझे कंस के लिए चुना क्योंकि अब आपको मेरे भीतर कंस दिखाई देते। मेरे कर्मों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ईश्वर ने तो मुझे कृष्ण बनाकर ही भेजा, लेकिन मेरे कर्मों ने मुझे कंस बना। दोस्तों, किसी मां के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता, कोई राक्षस पैदा नहीं होता है, कोई कंस पैदा नहीं होता है, कोई रावण पैदा नहीं होता। मां के गर्भ में जो पल रहा होता है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण विष्णु होते हैं। जब वो इस धरती पर आ जाते हैं तो उनके संस्कार, उनके कर्म ये तय करते हैं कि जीवन में वो क्या बने। लोग उनके पास आना चाहेंगे, लोग उनसे भागना चाहेंगे, लोग उनसे दूरी बनाएंगे या लोग उनके साथ बैठना चाहेंगे। हम सब जीव जब जन्म लेते हैं तो विष्णु रूप में जन्म लेते हैं। यही कारण होता है कि आप किसी भी बच्चे को गोदी में उठाना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने कर्म करना शुरू करता है, अपनी ऊर्जा को एक दिशा देता है,
उसकी दी गई दिशा ये निर्णय करवाती है कि आप उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप उससे दूरी बनाएंगे या सबको ये बताएंगे कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है। तो हमेशा अपने कर्मों को, अपनी इस दी गई ऊर्जा को सही दिशा दें, क्योंकि ईश्वर आपको अपने जैसा बनाकर भेजते हैं, आपसे बेहद प्रेम करते हैं, आपके अंदर वो अद्भुत ऊर्जा देते हैं जिससे आप ये हर समय निर्णय ले सकें कि आपको अपना मार्ग कैसा तैयार करना है। हमेशा याद रखें, आप जब भी भटके, अपनी राह भूल जाए, गलत दिशा में चलने लगे, तो एकदम शांत हो जाए, आंखें बंद करें, एकांत में बैठे और याद करें उस दिन को जब आपने इस धरती पर जन्म लिया, सब आपके साथ खेलना चाहते थे, आपको गोदी उठाना चाहते थे, आपसे प्रेम करना चाहते थे, आपको ईश्वर ने अद्भुत ऊर्जा दी थी। उस ऊर्जा को फिर से याद करें, अपने ईश्वर को याद करें और अपनी सारी परेशानी को अपने ईश्वर से कहें, अपनी सारी बातें उसके सामने रखें। आप यकीन मानो, वो आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे और आपको कभी डरने नहीं देंगे, घबराने नहीं देंगे। इसलिए कभी डरिए मत, घबराइए मत, हमेशा विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।